94 में क्या कह रहा है, एक वृत्त और आयत का कुल क्षेत्रफल 1116 है, वृत्त का व्यास दिया है 28 अर्थात त्रिज्या 14 हो गई और आयत की लंबाई इतनी है, तो वृत्त की परिधि और आयत के परिमाप का योग निकालना है। ठीक है, वृत्त की परिधि और आयत के परिमाप का योग निकालना है। ठीक, तो कुल क्षेत्रफल दिया है, पहले तो कुल क्षेत्रफल लिख लें, कितना दिया हुआ है 1166। ठीक, इसमें वृत्त का व्यास दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मतलब 14 × 14। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया प्लस आयत की लंबाई दी है 25, आयत की लंबाई 25 दी है 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई का गुणा करना है, चौड़ाई पता नहीं है, बी लिख लेते हैं चौड़ाई को। ठीक, तो ये 7 × 14 हो गया। अब 22 × 2 × 14 तो ये हो गया 616 + 25b = 1166। तो 25b बराबर कितना हो जाएगा, 1166 से 616 घट गया तो कितना आ गया, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5, फिर 11 में से 6 गया 5 बटे 25। B का मान कितना हो गया, ये हो गया 550/25। इसको सॉल्व कर लें तो 25 × 50 दो बार में कट गया, फिर 25 × 50 22 आ गया B का मान। अब वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप का योग, अब क्या निकालना है हमें, वृत्त की परिधि प्लस आयत का परिमाप बराबर क्या होगा। वृत्त की परिधि होती 2πr 2 × 22/7 × r है 14 प्लस और आयत का परिमाप कितना होता है, वृत्त की परिधि हो गई और आयत का परिमाप होता है 2 × l + b। l दिया है 25 और b है 22, 25 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 = 47। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर हम कर लें तो ये कट गया 7 × 2 = 14 दो बार में, 2 × 2 = 4 22 × 4 कितना हो गया 88 प्लस 88 प्लस 22 × 4 = 88 हो गया प्लस 7 × 2 = 14 हासिल लगा 1 और 2 × 4 = 8 और 1 = 9 = 94। इनको जोड़ लें तो 8 × 4 = 12 हासिल लगा 1 और 9 × 8 = 17 और 1 = 18 182 सेंटीमीटर हो गया, जो कि दिया है ऑप्शन बी में, जो कि हो गया 94 का आंसर।